और एक बड़ी खबर आपको बता दें, एग्जिट पोल पर कांग्रेस ने अपना फैसला बदल लिया है। एग्जिट पोल के डिबेट में शामिल होंगे अब कांग्रेस के प्रवक्ता। आपको बता दें, सुबह ही कांग्रेस ने तय किया था कि एग्जिट पोल पर किसी भी चर्चा, टीवी डिबेट या सोशल मीडिया डिबेट में उसके प्रवक्ता नहीं जाएंगे, जबकि जब नतीजा आएगा 4 जून को उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पर अब वो फैसला कांग्रेस ने बदल लिया है, एग्जिट पोल के डिबेट में शामिल होंगे अब कांग्रेस के प्रवक्ता। अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे और साथ ही साथ जो डेटा एनालिसिस चलेगी उसमें भी वो हिस्सा लेंगे। तो कांग्रेस ने अपना फैसला बदल लिया। कल देर शाम ये खबर आई कि कांग्रेस पार्टी इस एग्जिट पोल में शामिल नहीं होगी, इस पर अपना कोई भी प्रवक्ता नहीं भेजेगी। उसके बाद लगातार रिएक्शन भी सामने आया। हमने थोड़ी देर पहले आपको गृहमंत्री अमित शाह का रिएक्शन दिखाया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हार का डर है, इस वजह से वो आकलन करने से पहले और विश्लेषण करने से पहले ही भाग रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही कि कांग्रेस पार्टी ने अपना फैसला बदला है। अब पार्टी की तरफ से तय किया गया है कि नहीं, हम एग्जिट पोल पर जो डिबेट है उसमें शामिल होंगे, हम उस पर अपनी राय रखेंगे, लिहाजा अपने प्रवक्ताओं को भेजेंगे। ये फिलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से फैसला अब लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एग्जिट पोल के डिबेट्स में कांग्रेस के प्रवक्ता शामिल होंगे, चर्चा में हिस्सा लेंगे। अपने फैसले को बदल दिया है कांग्रेस ने। अभी तक उसकी तरफ से कहा जा रहा था कि इस तरह के डेटा को हम नहीं मानते, हम सिर्फ नतीजों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम नतीजों पर मानते हैं और वही वास्तविकता है, लिहाजा 4 जून को चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन अब कांग्रेस ने अपने फैसले को रिव्यू किया और यह तय किया कि वो एग्जिट पोल से जुड़ी हुई डिबेट और चर्चाओं में हिस्सा लेगी। उसके प्रवक्ता मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस या पोर्टल्स पर जाएंगे और जहां जहां भी एग्जिट पोल को लेकर चर्चा हो रही है वहां पर वो इस विश्लेषण में भाग लेंगे, अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो बड़ी खबर, एग्जिट पोल पर कांग्रेस ने अपना फैसला बदल दिया है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में जरूरी होता है कि आप अपनी बात रखिए। अगर आप सामने वाले की बात से सहमत नहीं है तो आप डिनाई कर सकते हैं, आप उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन बायकॉट करना ये एक स्वस्थ परंपरा नहीं कही जा सकती है। और कल जब से कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात कही गई कि हम एग्जिट पोल डिबेट में शामिल नहीं होंगे, उसके बाद से लगातार आलोचना हो रही थी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की। न सिर्फ तमाम सियासी दलों की तरफ से रिएक्शन सामने आया, बल्कि राजनीति के तमाम जानकार, राजनीतिक विश्लेषक भी लगातार ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को अपना ये फैसला बदलना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये अच्छी एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। आप जो नंबर्स आएंगे उससे असहमत हो सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, अपने नंबर्स रख सकते हैं, अपने तर्क रख सकते हैं, लेकिन इस तरह का फैसला कहीं से भी स्वस्थ लोकतंत्र में ठीक नहीं है। लिहाजा शायद कांग्रेस पार्टी ने आत्मचिंतन किया होगा, मंथन किया होगा और उसके बाद यह फैसला लिया गया है कि नहीं, हम बायकॉट नहीं करेंगे, हम एग्जिट पोल डिबेट में शामिल। तो एग्जिट पोल पर कांग्रेस ने अपना फैसला बदल दिया है। अब चर्चा में उम्मीद है कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे यहां भी शामिल होंगे, क्योंकि अभी तक की जो बात थी उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। तो अब उम्मीद है कि जैसे जैसे हमारे एग्जिट पोल का डेटा सामने आएगा कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और वो अपनी भी राय रखेंगे। जो आंकड़े हमारे एग्जिट पोल से सामने आएंगे, ये न्यूज 18 और पोल हब का सर्वे है जो कि 21 राज्यों की 518 सीटों पर कंडक्ट किया गया है। साइंटिफिक सर्वे है, इसके फॉलोअप्स भी बहुत ही बारीकी से किए गए हैं। लोगों को न सिर्फ ग्राउंड पर उनकी राय लेकर उसके बाद कॉल बैक किया गया है, बल्कि सैंपल साइज कितना हो, हर लोकसभा क्षेत्र में कितने लोगों से बात होनी चाहिए, बूथ स्तर पर भी कितने लोगों से बात होनी चाहिए, उसकी भी मेथोडोलॉजी जो है वो बिल्कुल आधुनिक है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें भरपूर किया गया है। उसके बाद न्यूज 18 और पोल हब आपके लिए ये सर्वे लाया है। बस कुछ मिनटों का इंतजार, उसके बाद वो नंबर्स आपके सामने होंगे कि पूरे देश में क्या स्थिति रहने वाली है, एनडीए के दावों में कितना दम है या फिर इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितना दम है, सब कुछ आप देख पाएंगे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में क्या स्थिति होगी, खासतौर से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होगी, क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से तय होता है, 80 लोकसभा सीटें यहां पर हैं, वहां का एग्जिट पोल क्या कहता है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन चुनाव आयोग की गाइडलाइंस होती है कि जब तक वोटिंग हो रही है तब तक किसी प्रकार का कोई एग्जिट पोल आप दिखा नहीं सकते हैं। आज सातवें चरण की वोटिंग हो रही है, उत्तर प्रदेश की भी 13 सीटों पर मतदान हो रहा है, लिहाजा हम वोटिंग खत्म होने तक इंतजार करेंगे, उसके बाद वो नंबर्स आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि किस मेथड से हमने ये सर्वे किया है और हम क्यों कह रहे हैं कि ये साइंटिफिक सर्वे है, सबसे सटीक सर्वे है, सबसे ऑथेंटिक सर्वे है, वो एक बार फिर से हम आपको मेथड समझाते हैं। और इस सर्वे को देखने के बाद आपको नतीजों से पहले ईवीएम में कैद जनादेश समझ आ जाएगा, क्योंकि हमने अब तक के सबसे साइंटिफिक ग्राउंड जीरो पर जाकर
518 लोकसभा सीटों पर जनता की राय जानने की कोशिश की है, लेकिन एग्जिट पोल दिखाने से पहले एक बार फिर से अपनी मेथोडोलॉजी आपको बता देते हैं। 21 राज्यों में हमारी टीम्स गई हैं, 518 लोकसभा सीटों को उन्होंने कवर किया है और उसके बाद ये सबसे विश्वसनीय डेटा आपके लिए लेकर आए हैं। कुल 95,000 लोगों से बातचीत हुई है, ये हमारा सैंपल साइज है जिसमें डेटा का वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया गया है, हर आंकड़े की पुख्ता जांच की गई है, कॉल बैक करके वेरीफाई की गई है उनसे ओपिनियन और उसके बाद ही उसको रजिस्टर किया गया है एक ऑथेंटिक डाटा के तौर पर और उसके बाद तैयार हुआ है हमारा ये एग्जिट पोल। एक लाइन में आप पूरी कहानी समझिए तो कैसे हुआ है सर्वे हम आपको बता रहे हैं। देखिए 21 राज्य की 518 सीटों पर हम पहुंचे, 95,000 वोटर से हमने बातचीत की, एग्जिट पोल में सबसे विश्वसनीय डेटा हमने इकट्ठा किया, डेटा का हमने वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया और उसके बाद हमने क्रॉस चेक भी किया, हमने वेरीफाई किया कि जो लोगों ने ग्राउंड जीरो पर राय दी है वो हमने जो डेटा इकट्ठा किया है उससे कितना मैच खाता है। इस तरीके से हमने इस पूरे सर्वे को अंजाम दिया है और इस वजह से हम कह रहे हैं